Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. मैं डॉक्टर सुरेश सिंगला, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स ओजस हॉस्पिटल पंचकुला से बोल रहा हूँ। आज हमने फ्रेंड्स ऑफ ओजस प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसमें हमने 200 सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक ऑपरेशंस पिछले 2 सालों में किए हैं, उसमें नी रिप्लेसमेंट, ट्रॉमा एंड स्पाइन सर्जरी सारे ऑर्थोपेडिक के ऑपरेशंस किए हैं। और आज हमने एक स्टिचलेस पेनलेस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लॉन्च की है। इससे पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ऑपरेशन कराने के बाद, ना उसको पेन होता है ना उसको स्टिचेस निकलवाने के लिए। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हमें 40 से 45 मिनट लगते हैं, और एक नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद इनकी जो लाइफ है कम से कम 30 से 35 साल होती है, ताकि ये पेशेंट को 30-35 साल तक कोई तकलीफ़ नहीं आती है। तो आज से 4-5 साल पहले जो हमारे पास पेशेंट्स आते थे, उनकी जो एवरेज एज होती थी वो अराउंड 70 साल के आसपास होती थी, 65 से 70 साल की ब्रैकेट में। बट पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो उम्र के जो एज है, रेंज है, वो 55 से 65 साल हो गई है, क्योंकि लोगों का जो रहन सहन है, जो लाइफ स्टाइल है, वो चेंज होता जा रहा है, जिसके कारण लोगों को जो बीमारी कम उम्र में भी होने लग गई है। हाँ, हमारे पास जो दो तरह के पेशेंट आते हैं, एक तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र के कारण बीमारी होती है, उनकी जो उम्र होती है जनरली 55-60 साल के बाद होती है। पर रिसेंटली मैंने पिछले 2 हफ्ते में 2 पेशेंट ऑपरेट किए हैं जो कि गठिए के मरीज थे, उनको ये बीमारी 40-45 या इवन 35 साल की भी उम्र में हो जाती है। उसमें हमें सबसे एक ज़रूरी चीज़, 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो कि उनकी हड्डी आम मरीज से कमज़ोर होती है, दूसरा उनको हमने उस तरह का इम्प्लांट यूज़ करना होता है ताकि उनको एक ही बार उम्र में सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़े, जो कि कम से कम 50-55-60 साल तक चल पड़े। हालांकि इतनी लंबे उम्र के इम्प्लांट नहीं आते हैं, बट स्टिल जो नॉर्मल इम्प्लांट 25-30 साल चलते हैं, उनसे 10-15 साल एक्स्ट्रा चलने वाले, 40 साल या 35 साल चलने वाले इम्प्लांट ज़रूर आ गए हैं जो हमने उनको इस्तेमाल किया। जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमारे पास स्पेशल फंड है, और हम आयुष्मान पेशेंट का भी इलाज कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ने रेट जिनके बहुत ही कम रखे हैं, और उनका हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हम उनका इलाज करते हैं। आयुष्मान के भी 5 पेशेंट्स का हमने इलाज किया है, जो कि बहुत ही कम रेट में हुआ है। नीज़ की प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही है, उसका बचाव का एक ही इलाज है, लोग अपना लाइफ स्टाइल जो है एक्टिव रखें, रोज़ एक्सरसाइज करें, मिनिमम इज़ वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अपनी डाइट का ध्यान रखें और अपना वेट ना बढ़ने दें। अगर वेट ठीक होगा तो नीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग NT24 न्यूज, द नेशनल टेली 24 न्यूज।